सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल 25 जुलाई 2018 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी करंट अफेयर्स की, उसमें पूछा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को बहुत पसंद आई वीडियो, तो इस सीरीज़ को हम लोग जारी रखते हैं और डेली के डेली करंट अफेयर्स की आपको जो है एक वीडियो यहाँ पर मिलेगी। और हम लोग जो है ना सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, बल्कि उसके बारे में डिटेल से भी जो है जानेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने सजेशन देना मत भूलिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इससे पहले वाली क्विज में, यानी कि 25 जुलाई वाले जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताइए। तो आप में से बहुत से लोगों ने उसका आंसर दिया, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या था, उसके बाद आज के इस क्विज को हम शुरू करेंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा था कि हाल ही में किस स्थान पर वायु की गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली का अनावरण किया गया। हमें बताना है किस स्थान पे किया गया, तो चांदनी चौक में किया गया, जो कि पड़ता है दिल्ली में। तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्विज का हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। चार ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, बिहार ने। तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, तो अगर आप लोगों को टाइम लगेगा तो वीडियो रोक के आराम से अपना आंसर बताइएगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसका थोड़ा सा जो है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें कि बिहार ने 23 जुलाई 2018 को शराबबंदी संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन में शराबबंदी कानून को पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक आसान किया गया है। जो संशोधन किया गया है उसको पहले के मुकाबले आसान बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या था पहले कि बिहार में, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसको याद रखिएगा कि 5 अप्रैल 2016 से शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहाँ पर शराब जो है बिल्कुल नहीं बिक रही है 5 अप्रैल 2016 से। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाया गया है, गैरकानूनी तरीके से, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ याद रखने वाली है। और इस प्रकार जब 5 अप्रैल 2016 को इसने शराब पर प्रतिबंध लगाया था, उस वक्त जो है ये देश का चौथा राज्य बन गया था जहां पर कि शराब पूर्णतः प्रतिबंधित थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि गुजरात, मिजोरम और नागालैंड में जो है पहले से ही शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इन तीन राज्यों के बाद ये चौथे नंबर पर शराब प्रतिबंधित करने वाला चौथा राज्य बन गया था। इसके बारे में और भी काफ़ी पॉइंट हैं, जैसे कि जो संशोधन हुआ है उसमें क्या हुआ है कि पहली बार जब जो शराब पीते हुए अगर पकड़ा गया कोई, तो आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर उसको 3 माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अब इस संशोधन में जमानत का विकल्प जोड़ दिया गया है। तो पहले जो है यहाँ पर जमानत का विकल्प नहीं था, यानी कि जब आप जो है शराब पीते हुए पकड़े गए तो आप पे सीधे जुर्माना लगा दिया जाएगा और 3 माह की सज़ा हो सकती है इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें जमानत का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ ये वाला भी याद रखिएगा कि दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,00,000 का जुर्माना और 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। यानी कि अगर एक बार आप पकड़े गए तो 50,000 रुपये, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही साथ 5 साल की सज़ा भी काटनी होगी। ये भी याद रखिएगा कि पहले जो मतलब संशोधन से पहले क्या होता था कि जिस गांव में भी शराब का जो धंधा चलता था, वहां पर जहां पर शराब बनती थी, वहां पर क्या होता था, सामूहिक रूप से जुर्माने का प्रावधान था। ठीक है, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो संशोधन किया गया है उसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे पॉइंट बताने की क्या ज़रूरत है, तो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या ज़रूरत थी ये सब पॉइंट बताने की। तो जितने पॉइंट यहाँ पर बताए हैं आप सभी चीज़ों को याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट ऊपर इससे पहले वाली स्लाइड में बताएं और 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए, इन्हें भी याद रखिएगा आप। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इतने सारे पॉइंट मैंने क्यों बताए, क्योंकि कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अभी जो काफ़ी बच्चे जो नए नए हैं वो पहली बार जो पेपर दे रहे हैं, उन लोग को लगेगा कि इतने सारे पॉइंट बताने की क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, अब जो है करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जामों में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए। क्वेश्चन सेकंड हमारा, जिसमें कि हमसे ये बोला गया कि निम्न में से बिहार में शराबबंदी कानून से संबंधित सही कूट का चुनाव हमको करना है। ए और बी और सी दे दिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें ए में दिया है कि शराब जो बिहार है उसमें शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुई है।
इसके बाद बी वाला पॉइंट था हमारा कि बिहार पूर्णतः शराबबंदी करने वाला देश का चौथा राज्य है, और सी वाला हमारा कि बिहार में पहली बार शराब पीते पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। तो ये पॉइंट हमारे दिए होते हैं और ये जो है इनमें से हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शन क्या है कि केवल ए सही है यानी कि सिर्फ ये वाला सही है, और उसके बाद है बी सही है यानी कि सिर्फ बी वाला सही है, या फिर सी कि ए और बी दोनों सही हैं, या फिर हमारा फोर्थ वाला है कि ये तीन के तीन सही हैं। तो आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी थ्री वाला यानी कि ए और बी सही है। ठीक है, बिहार में पहली बार शराब पीते पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना नहीं बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना है। तो हम लोग ऊपर पॉइंट पढ़ चुके थे, अगर आपको पॉइंट याद होंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन मकसद मेरा यही था कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जाए ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। थर्ड क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की तस्करी रोकने के लिए किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? ठीक है, चार ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, #childline1098। तो इसको कहीं पर हैशटैग लिखा गया है पेपरों में भी और कहीं कहीं पर सिर्फ childline1098 लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है सही है वो ऑप्शन ए वाला ही सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल से हम जानेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की तस्करी रोकने के लिए #childline1098 का शुभारम्भ किया है। इसके तहत सामान्य जनों और बच्चों से #childline1098 का लोगो जो होगा वो स्पॉट करने, शेयर करने और उसके साथ एक टैगलाइन लिखकर भेजने के लिए कहा गया है। किसकी तरफ से? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। इसका मकसद नागरिकों से जुड़ने और मानव तस्करी को रोकने से है। ठीक है, मतलब जो ये चलाया जा रहा है, ये प्रतियोगिता जो चलाई जा रही है उसका मकसद है कि मानव तस्करी को रोका जाए, मेन मकसद इसका यही है। इसके अलावा ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि childline1098 बच्चों की सहायता के लिए एक आपात फ़ोन सेवा है जो 24 घंटे कार्य करती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, भारत सरकार की ये हेल्पलाइन है। ये भी याद रखें कि वर्तमान समय में देश जो ये सेवा है वो देश के 450 स्थानों पर चल रही है और वर्तमान में मेनका गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि मंत्री कौन है, ये कितनी योजना कितनी जगहों पर चल रही है। इसके अलावा और सारे पॉइंट ऊपर हमने बताई दिए हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर से कोई ऐसा नहीं है कि फालतू लिख दिया है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप धीरे धीरे याद करेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, फोर्थ वाला, कि भारत एवं युगांडा ने 24 जुलाई 2018 को कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, चार। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि भारत और युगांडा के बीच 24 जुलाई 2018 को कुल चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते जो थे वो रक्षा से संबंधित थे, राजनयिक समझौते से संबंधित थे, कूटनीतिक समझौते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित थे। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी हमें याद रखना है, योवेरी मुसेवेनी। तो ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला और यहाँ की जो मुद्रा है वो है युगांडा शिलिंग। तो ये भी आप याद रखिएगा, वहाँ की यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा कि संसद ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 कब पारित किया? कौन सी डेट को पारित किया हमें ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, 24 जुलाई को। तो ये वाला पॉइंट तो हमें याद रखना ही है कि 24 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018 संसद में पारित हुआ। राज्यसभा में ये 19 जुलाई को पारित हो गया था और लोकसभा में 24 जुलाई को पारित हुआ। इस विधेयक के द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, ये वाला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के द्वारा ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कैसे?
इसके तहत क्या होगा कि जो रिश्वत लेने वाला है वो भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होंगे। तो कई बार ये देखने को आता है कि कुछ लोग जो है फालतू में रिश्वत लेने के आरोप लगा देते हैं, तो इससे जो ईमानदारी से जो कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनको भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि जब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों अगर समान रूप से दोषी हैं तो इसका मतलब कि अगर आप बाद में किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो आप भी खुद भी जो है उसमें आरोपी हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस कानून में जो संशोधन किया गया है इसके तहत 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान भी किया गया है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर जो पॉइंट याद रखने वाली काफ़ी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया, ठीक है, तो आप ये वाला याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना पहली बार किस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली है। 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, पिच ब्लैक 2018 में। तो ये वाला पॉइंट तो याद रखिएगा ही रखिएगा, साथ ही में ये भी याद रखिएगा कि पिच ब्लैक 2018 यानी कि जो पिच ब्लैक है ये ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास है। इस वायुसैनिक अभ्यास में भारत के लड़ाकू विमान Sukhoi 30 या फिर Sukhoi 30 जो भी आप बोलें MKI के अलावा हरक्यूलस और ग्लोब मास्टर विमान भी भाग लेंगे। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो 27 जुलाई से 17 अगस्त 2018 तक किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और इसमें कौन कौन से विमान शामिल हो रहे हैं भारत से, तो ये 2-3 नाम इम्पोर्टेंट है तो आप इनको याद कर लीजिएगा। साथ साथ ये तो याद रखना ही है कि भारतीय वायुसेना पहली बार पिच ब्लैक 2018 में भाग लेने वाली है। क्वेश्चन है कि हाल ही में 12 बार के ओलंपिक पदक विजेता तैराक रयान लोचटे पर 14 माह का प्रतिबंध लगाया गया, वो किस देश के तैराक है, हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, अमेरिका के। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट तो हमें याद रखना ही है। ये भी याद रखिएगा कि लोचटे पर ये प्रतिबंध जो है US डोपिंग एजेंसी के द्वारा लगाया गया है। लोचटे को प्रतिबंधित इंट्रोवेनस इन्फ्यूजन के इस्तेमाल के लिए बैन किया गया है। इन पर ये प्रतिबंध 24 मई से शुरू हो चुका है और 24 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 14 माह अगले 14 माह तक चलेगा। तो इस दरमियान जो भी तैराकी प्रतियोगिता होंगी वे इसमें से किसी में भी भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो एग्जाम के लिए वही परफेक्ट है, कहाँ के हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, 8वां क्वेश्चन, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेब खरीद के लिए MIS योजना की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, हिमाचल प्रदेश ने। इसके बाद 9th क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों में वार्षिक न्यूनतम जमा राशि को घटाकर कितना कर दिया है। 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, 250 रुपये। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, ये भी याद रखिएगा कि इसके लिए सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2016 में संशोधन किया गया। तो किसमें संशोधन किया ये भी हमें याद होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गर्ल चाइल्ड सेविंग योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि जो ये 250 रुपये की गई है आपका संशोधन के बाद वो इसीलिए की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की जो कन्याएँ हैं उनके माता पिता या फिर जो भी कानूनी अभिभावक होंगे उनके, वो इनका खाता खोल सकते हैं। किसका खाता? जो 10 साल से कम उम्र की कन्याएं होंगी उनका खाता खोला जाएगा इस योजना के तहत। ये काफ़ी पहले से चलती आ रही है योजना और इस खाते में 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा हुई थी। तो 22 जनवरी 2015 से ये योजना चल रही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा और कब इसकी शुरुआत हुई थी हमें ये भी याद होना चाहिए और न्यूनतम जो राशि की गई है वो कितनी है ये भी हमको याद होना चाहिए। इसके बाद आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन हैं, जो भी आपको सही लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई सजेशन होंगे तो हमको देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिए, वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।